Excuse me, production ne na. Excuse me. Hi, Sunny. तुम म्यूजियम में रहती हो क्या? नहीं. अरे कमाल करती हो. मेरे ख्याल से दुनिया की सबसे खूबसूरत चीज तो म्यूजियम में ही रहनी चाहिए. मुझे लगता है आप बीमार हो. ये गोली खाइए, आपकी बीमारी ठीक हो जाएगी. तो आप यहाँ पर पूरे मोहल्ले की दवाइयाँ लेने आई हैं? आपके खूबसूरती के हिसाब से तो पूरा मोहल्ला ही बीमार पड़ गया होगा. मेरे पापा बीमार हैं. अरे सुनो तो सुनो. थैंक यू सर, आपकी वजह से आर्यन के बहुत अच्छे नंबर आए. अरे ऐसी कोई बात नहीं आरती जी, वैसे आर्यन भी बहुत मन लगाकर पढ़ाई करता है. लेकिन फिर भी लाइफ में एक मार्गदर्शक की ज़रूरत होती है और आप मेरे बेटे के मार्गदर्शक हैं. मैं आपकी बहुत आभारी हूँ. वैसे आप मेरे लिए बहुत कुछ कर सकती हैं जी. मेरा मतलब आपको कुछ करने की ज़रूरत ही नहीं है. एक बात बताओ बटुक जी. जी पहले तो मैं आपके पास क्लासेस नहीं लगवाना चाहती थी. क्यों? आपको तो पता ही है आई एम ए सिंगल मदर और अकेली औरत का जीना कितना मुश्किल होता है. लोगों के ताने सुनना, उनकी बुरी नज़र से बचना, हर रोज़ मुश्किल ही मुश्किल. ऑफिस में जाओ वही, मार्केट में जाओ वही. कभी कभी तो ख्याल आता है कि मैं खुदकुशी कर लूँ, लेकिन फिर आर्यन का ख्याल आता है. पहले मुझे लगता था हर मर्द एक जैसा ही है, लेकिन आपको मिलने के बाद वैसा नहीं लगा. मुझे पम्मी जी ने भी विश्वास दिलाया था कि आप बहुत अच्छे इंसान हैं. आपने मेरे बेटे को सही राह दिखाई. मैं चाहती हूँ लाइफ में मेरा बेटा बिल्कुल आप ही के जैसा बने. बड़ी आरती चलो चाय तैयार है. हेलो मिस, पहचाना? किस्मत भी क्या अजीब चीज है ना. सुबह हम मेडिकल में मिले, अभी चंद्रा स्टोर में. अगली मुलाकात आपको कहाँ होगी पता है? बताओ बताओ ना. आई डोंट नो. अरे सिंपल सी बात है यार, आपके घर में. एक्सक्यूज मी, आर यू मैड? नो, लेकिन शायद से हो जाऊंगा. अरे सुनो ना, सुनो तो आई नो यूर इंटरेस्टेड में, पर तुम पब्लिकली एक्सेप्ट नहीं करोगी. अरे कोई बात नहीं यार, जस्ट टेक माई नंबर एंड गिव मी अ कॉल. लिसन, मैं वैसी लड़की नहीं हूँ. ओह, व्हाट डू यू मीन बाय वैसी लड़की? अरे इट्स ओके, इट्स कैजुअल नाउडेज, हर कोई करता है. एंड आई प्रॉमिस आई विल कीप इट अ सीक्रेट. आपको समझ में नहीं आ रहा, मैं आपसे बात करने में इंटरेस्टेड नहीं हूँ. अरे बात कौन करना चाहता. So, रॉकी, प्रमोशन के लिए ये सब करने की क्या जरूरत है? मतलब मैं समझा नहीं. आई मीन डेढ़ महीने से देख रही हूँ, कभी कॉफी कभी लंच एंड राइट नाउ डिनर. माजरा क्या है? डेढ़ महीने पहले मेरे पास कुछ नहीं था, ना नौकरी थी ना छोकरी थी. आई मीन मेरा ना पूरा कॉन्फिडेंस ही जा चुका था. फिर
तुमने मुझे वो दिया जो मुझे चाहिए था। सहारा। तुम मेरी जिंदगी में प्रेरणा की तरह आई। तुमने मेरी जिंदगी को एकदम सही दिशा दी। वो सॉरी टू इंटरप्ट यू, मेरी हिंदी थोड़ी सी कमजोर है। तो ये जो आप कह रहे हो प्रेरणा, दिशा, ये कौन है? okay. छोड़ो छोड़ो, तुम समझी नहीं। मेरा ये कहने का मतलब था कि मैं आज जो कुछ भी हूँ तुम्हारे वजह से तो हूँ। कम ऑन रॉकी, अब बस भी करो। यू आर टैलेंटेड गाय एंड यू डिजर्व इट। थैंक यू। बट तुम्हें नहीं लगता सूजी, इतने दिनों में हम दोनों के बीच में कुछ कनेक्शन है? मतलब केमिस्ट्री यार, सोचो ना। हमारे पसंद ना पसंद सेम है, हमारे हॉबीज सेम है, यू नो। मतलब व्हाट डू यू मीन बाय दैट? I mean कि हम दो जिस्म एक जान है। I mean we are really similar. Yeah, that's right. और क्या चाहिए एक पार्टनर को एक पार्टनर से? Wait a minute. What do you mean by that? I mean wait. I just wanna say, will you? Hey, hi baby. So, sorry Rocky, let me introduce. Wait, let me guess. She's your sister. और आप छोटी हैं. No. She's your cousin. No, not at all. No? BFF, best friends forever, right? No Rocky, she's my partner. Oh partner, how silly of me. Room partner. No. Business no. partner. Let me guess your business. Beauty parlor. पर सुजी एक बात बताऊं तुम्हें ना, beauty parlor की बिल्कुल भी जरूरत नहीं। तुम naturally। So hold on Rocky, she is my life partner. Life partner. अगले महीने हमारी शादी है। Congratulations. The kiss. Oh shop. मेरे साथ क्या होता है? So where were you? You know Suzy, कि हम दोनों में कितनी सिमिलैरिटीज है। तुम्हें लड़कियां पसंद है, मुझे भी लड़कियां पसंद है। हम जैसा सोचते हैं वैसा कभी नहीं होता। जो हम देखते हैं वो कभी नहीं होता। और हम जो चाहते हैं वो भी हमें कभी नहीं मिलता। उम्र के आगे कभी नहीं जाना चाहिए, बहुत तकलीफ होती है। प्यार कभी नहीं करना चाहिए, बहुत तकलीफ होती है। जिंदगी में कम से कम एक बार तो प्यार करना चाहिए। अब इसका कटेगा।